सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉयलर परफॉर्मेंस। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बॉयलर परफॉर्मेंस क्या होता है, कैसे ये किस किस बातों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से वो मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग बॉयलर परफॉर्मेंस को निकाल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर के लिए, और देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है ये अलग अलग बॉयलर के लिए क्यों हमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड की जरूरत पड़ी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर परफॉर्मेंस, तो देखिए बॉयलर क्या होता है ये हम लोग कई सारे वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो बॉयलर हमारा एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा हम लोग स्टीम का जनरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि परफॉर्मेंस क्या होता है, तो परफॉर्मेंस ये इंडिकेट करता है कि कोई कितना एफिशियंट है, कोई कितना एफिशियंट वर्क करता है, वो क्या उसका परफॉर्मेंस है, क्या वो परफॉर्म कर रहा। जैसे अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपका क्या परफॉर्म है वहां पे, आप कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस क्या है, वही चीज दर्शाता है परफॉर्मेंस। जैसे कि एग्जांपल से बात करते हैं, हम लोग जैसे बाइक खरीदते हैं तो हम लोग वहां पर भी चेक करते हैं कि उस बाइक का परफॉर्मेंस क्या है। वहां पे हम लोग माइलेज के तौर पे चेक करते हैं कि कितना हम लोग तेल देंगे, यानी कि एक लीटर में हम लोग को कितना दूरी तक वो बाइक जो है वो सफर कराएगा। तो वो चीज हो गया, वो बाइक का परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग को बॉयलर का परफॉर्मेंस अगर चेक करना है कि बॉयलर कितना अच्छा परफॉर्म करना, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी अच्छी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी कैपेसिटी में वो अपना आउटपुट दे पा रहा कि नहीं, तो वो चीज कहलाता है बॉयलर परफॉर्मेंस। और इसको भी इंडिकेट करने के लिए, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है। देखिए ये जो बॉयलर परफॉर्मेंस होता है वो उसको कैलकुलेट करना काफी जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने आज एक बॉयलर बैठाया और वो आज तो सही वर्क कर रहा है, लेकिन हो सकता है एक साल बाद, दो साल बाद उसकी क्या परफॉर्मेंस, वो आपको जानना जरूरी है। वो उतना आउटपुट नहीं देगा क्योंकि टाइम के साथ साथ सब कुछ जो होता है वो उसमें उसका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे आप बाइक का भी देखें तो उसका परफॉर्मेंस टाइम के साथ एक साल दो साल बाद जो होता है उसकी माइलेज कम होती जाती है। ठीक उसी तरह हमारा जो बॉयलर होता है उसके भी परफॉर्मेंस होता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके कई सारे कारण होते हैं, मेंटेनेंस हो गया, कई सारे इक्विपमेंट्स फेलियर होते हैं, आपका कंबशन इफेक्ट करता है, कोल की क्वालिटी इफेक्ट करता है, तरह तरह के फैक्टर जो होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये इसका क्या परफॉर्मेंस है हमको ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी अलग अलग, जैसे हम लोग बाइक के लिए माइलेज के तौर पर चेक किए, उसी तरह इसका भी बॉयलर का भी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। तो आज के समय में बॉयलर हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें कुछ पार्टिकुलर टाइप का बॉयलर होता है और कुछ डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर होते हैं। तो अगर पार्टिकुलर टाइप के अगर बॉयलर के बारे में बात करें तो दो मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग बॉयलर के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो है वो है इवापोरेटिव कैपेसिटी और दूसरा जो है वो है इवापोरेशन रेशियो। इस वीडियो में हम लोग इवापोरेटिव कैपेसिटी के बारे में ही डिटेल में देखेंगे, इवापोरेशन रेशियो के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, वहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके सिवा अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर के बारे में अगर परफॉर्मेंस निकालना चाहें तो उस समय हम लोग को ये मेथड जो है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसके पीछे भी कारण है, अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर के बारे में अगर हम लोग परफॉर्मेंस निकालना चाहें तो इसके लिए भी दो मेथड है, एक होता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन और दूसरा जो होता है वो होता है बॉयलर एफिशिएंसी, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बॉयलर एफिशिएंसी के बारे में। अगर नहीं पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस किस टाइप का बॉयलर एफिशिएंसी होता है, तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा किस टाइप का होता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल के साथ डिटेल में बताया गया है, कई सारे पार्ट्स है, दो तीन वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, बॉयलर एफिशिएंसी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बॉयलर एफिशिएंसी पे ऑलरेडी वीडियो है, इवापोरेशन रेशियो पे है, इवापोरेटिव कैपेसिटी पे हम लोग यहां पे देख लेंगे और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो देखिए हमने एक यहाँ पे चीज नोट किया कि पार्टिकुलर बॉयलर जो होता है उसके लिए अलग मेथड है और डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर के लिए अलग मेथड है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर के लिए अगर परफॉर्मेंस निकालना चाहें तो क्यों ना यही मेथड हम लोग अप्लाई कर दें, ये इवेपोरेटिव कैपेसिटी और इवेपोरेशन रेशियो, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके पीछे रीजन है क्योंकि अभी के समय में आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर जो होता है वो अवेलेबल होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन होते हैं, उनका इनपुट डिफरेंट टाइप्स का होता है, आउटपुट डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रेशर होते हैं, टेम्परेचर होता है, आप जो फीड वाटर इनलेट कराते हैं उसका भी कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप्स का बॉयलर के अनुसार उसका टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है। आउटपुट में भी आप देखेंगे कोई ड्राई स्टीम होता है, कोई सुपर हीटेड स्टीम होता है, उसके भी टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जरूरत के अनुसार। तो उस कंडीशन में हम लोग यहां पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या है ना, यहां पर सिंपली एक बात कर दी गई है, यहां पे कोई कंडीशन को डिसाइड नहीं किया गया। ठीक है, यहां पे कंडीशन को डील्स नहीं करता है कि क्या टेम्परेचर है, क्या
प्रेशर है। जैसे अगर हम लोग मान लें इवेपोरेशन रेशियो को ले लें तो ये बस ये इंडिकेट करता है कि 1 केजी फ्यूल अगर हम लोग जलाएंगे तो कितना आपका स्टीम जनरेशन होगा। ओके, लेकिन अगर हमें डिफरेंट टाइप्स बॉयलर हम लोग यदि बात करेंगे जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन है तो उस समय यहां पे हम लोग को नहीं कंपैरिजन इसके द्वारा हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर के बारे में अगर परफॉर्मेंस निकालेंगे तो उस समय हम लोग इसको यूज नहीं करके हम लोग इसको यूज करेंगे तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका क्या परफॉर्मेंस है। जैसे अगर आप बॉयलर इफिशियंसी आप देखे होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि मेन स्टीम फ्लो होगा, कोल का जीसीवी होता है, फिर से आपका मेन स्टीम का इंथैल्पी होता है, फीड वाटर का इंथैल्पी होता है, ये कई सारे पैरामीटर होते हैं ओके, जो कि आपका इंडिकेट करते हैं, साथ में प्रेशर के रिस्पेक्ट में उसकी क्या इंथैल्पी होती है, ये सब भी जो चीज है वो उसको डील करता है। तो जो वहां पर जो इफिशियंसी आती है तो वो कंपैरिजन कर पाती है ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर को लेके। तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर के लिए हमारे पास दो मेथड आया, एक होता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन और एक होता है बॉयलर इफिशियंसी, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को डील्स करता है ओके। अब हमको देखिए यहाँ पर जो है ये फर्स्ट वाला है इवेपोरेटिव कैपेसिटी को ही इस वीडियो में उनको देखना है। तो देखिए यहाँ पर इवेपोरेटिव जो वर्ड है वो इवेपोरेशन से बना है। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। जैसे आप घर में अगर खाना वाना बनाते हैं तो उसके लिए जो पानी उनी गर्म करते हैं तो वो जो वाष्प बनता है, जो भाप बनता है, उसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। तो उसी वर्ड से इवेपोरेटिव बना है। और कैपेसिटी का मतलब है कि कोई चीज़ कितना कैपेबल है, कितनी उसकी कैपेसिटी है ओके। जैसे अगर हम कोई वर्क करते हैं तो हमारी कितनी कैपेसिटी, हम कितना वर्क कर सकते हैं, तो वही चीज़ हो गया कैपेसिटी। तो इवेपोरेटिव कैपेसिटी का मतलब हो गया कि यदि जो हमारे पास जो बॉयलर है उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो वाटर को कितना स्टीम में कन्वर्ट कर सकता है, क्या हमें आउटपुट दे सकता है ओके। अगर सिंपली अगर इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट्स कैपेसिटी टू जनरेट स्टीम इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में, यानी कि एक घंटे में हमारा जो बॉयलर है वो कितना स्टीम जो है वो जनरेट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को ही इवेपोरेटिव कैपेसिटी कहा जाता है। और इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है केजी ऑफ स्टीम पर आवर, यानी कि एक घंटे में कितना केजी स्टीम जनरेट हुआ। और दूसरा जो मेथड होता है एक्सप्रेस करने का, एक होता है केजी ऑफ स्टीम पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ हीटिंग सरफेस ओके। जैसे मान लीजिए कि अगर एक मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस एरिया है तो पर आवर में कितना केजी ऑफ स्टीम जनरेट कर रहा, इसके द्वारा भी हम लोग इवेपोरेटिव कैपेसिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही हो गया, बाकी इक्विवेलेंट इवेपोरेशन जो बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन और इवेपोरेशन रेशियो और आपका फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन पे क्या रिलेशन है, तो उसको हम लोग डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।